गौरव नाम है मेरा और मैं अंकिता पे कुछ कहना चाहता हूँ। काम ही ऐसा हुआ है देश में, मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मेरे फैलाने से फैल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज की अपील जरूर है, जो भी ये देख रहा है वीडियो, जो भी देख रहा है, इसको शेयर जरूर करना दबा के, ताकि हर किसी के पास पहुंचे ये। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि उसने सामने वाले ने क्या किया है उसको कौन सी सजा देनी चाहिए? ले जाकर के उसको कोर्ट में पेशी करोगे, उसको ले जाकर के जेल में डालोगे, उसको ले जाकर के उसके बाद फिर फांसी की सजा होगी, ले जाकर खट्टा करके उसको मार दोगे। अरे जिसने एक लड़की को जला के मारा हुआ है उसके साथ क्या करना चाहिए, ये भी तुम्हें मैं बताऊं? माचिस की तिल्ली भी गलती से लग जाए ना अगर उंगली में, तो कम से कम 2 दिन तक जलता है वो। और जिस आदमी ने उसको पूरी बॉडी उसकी जला के रख कर दी, मैं बताऊं तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको रोज जलाना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। कम से कम इसको 1 साल में जलाया जाए, रोज थोड़ा थोड़ा जलाया जाए इसको। और जलाते हुए इसकी जो वीडियो है ना, वो हर जगह पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होनी चाहिए। अरे एक बार सोच के देखो ना, तुम्हारा नाखून भी उखड़ जाए, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तेल लेकर के भाग के आती है, और जिस माँ के बच्चे को जलाकर पूरा राख कर दिया गया, उसके बारे में तुम्हें शर्म भी नहीं आती? देश की बहुत बड़ी बड़ी मीडिया है, 3 दिन चिल्लाती है। अगर यही पॉलिटिक्स चल रही होती ना, अगर वोटिंग चल रही होती, तो इनका कम से कम 1 साल तक चलता है वो। सिर्फ साले पैसों के लिए वो करते हैं, दलाल हैं ये, दलाल जनता का खाली फायदा उठाते हैं ये। ठीक है तुमने मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन किसी के साथ गलत हो रहा है उसको दिखाना तुम्हें बनता है। और वैसे भी मैं कौन हूं, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया अपने एंटरटेनमेंट के लिए खाली, जिसमें मैं छोटी मोटी वीडियोस बना करके डालता हूं। और ओ महान यूट्यूबर हो, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हो ना तुम लोग, सालों एक दूसरे की ट्रोल करके, उछ करके तुम एक दूसरे के जाकर के गले लग के एक दूसरे को रोस्ट करके दुनिया भर की वीडियो बना लेते हो, हैं? तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अभी, और मेरी माताओं बहनों से भी खास अनुरोध है, अगर आपको लग रहा है कि कोई तुम्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मैटर नहीं करता वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस जाति का है, किस धर्म का है, नहीं मैटर करता है। सीधा सबसे पहली कंप्लेंट पुलिस में जानी चाहिए, और उसकी वीडियो भी आप बनाओगे। जिस टाइम पे आप पुलिस में कंप्लेंट करने जाओगे, आप उसकी प्रॉपर वीडियो बनाओगे कि मैं इस चीज की कंप्लेंट करने यहां पे आई हूं, और ये कंप्लेंट ली जाती है नहीं ली जाती है, आप उसका प्रॉपर वीडियो बना के रखोगे। और मेरा हाथ जोड़ करके ये पुलिस वालों से और जितने भी सुरक्षा अधिकारी हैं, पुलिस बल के सभी सीनियर ऑफिसरों से मेरी ये दरख्वास्त है, ये निवेदन है कि जगह जगह आप लोग इस तरीके के मुहिम चलाएं, जगह जगह आप लोग इस तरीके के बैनर या पोस्टर भी लगाएं। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बैंकों के, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट आप लोग कर देते हैं। आप लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से कर सकें कि जो लोगों को ये पता रहे कि सामने जो लिखा हुआ होता है ना, उसके जहन में बहुत जल्दी आ जाता है। हो सकता कुछ गलती जो है परिवार वालों की हो, कुछ गलती उसकी भी हो। ये जो कांड हुआ है ना, ये आज का नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आज हो गया है, ये पहले नहीं होता था, ये अभी अभी का एक पहला केस आया हुआ है, हमेशा से होता है, यही हमेशा से होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक खास जाति का या कोई एक धर्म का ऐसा कोई कर रहा है, ये हमारी एक जो समाज है ना, समाज में बहुत गंदे तरीके से ये सब चीजें फैलती जा रही हैं। दोस्तों ये वाला मेरा घर है, और यहां मैं वॉक करने के लिए आया हूँ, खाना खा के दिखाता हूं मैं, वो है